वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस पार्ट वी विल स्टडी द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रहा, तो स्पेशली गुड और बैड इम्पैक्ट है लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का ये तो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग टूडेज स्टडी, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट अगेन, देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल बटन एंड लाइक द वीडियो। होप यू आर एन्जॉइंग। यस, लेट्स स्टार्ट। द इम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इंडिया प्रोसीडेड द ट्रेड स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब इंडिया ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो स्ट्रेटजी थी इसको अडॉप्ट किया था फॉरेन कॉम्पिटिशन से, कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी नाम दिया गया। इट हैड बोथ गुड एज वेल एज बैड इम्पैक्ट, तो इसके गुड इम्पैक्ट भी हैं, बैड इम्पैक्ट भी हैं ऑन द इंडस्ट्रियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स। तो इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, वॉट आर द गुड इम्पैक्ट एंड द बैड इम्पैक्ट ऑफ द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। तो लेट्स स्टार्ट विद द गुड इम्पैक्ट्स। What are the good impacts? Following observation highlight the good impact of inward looking strategy. जो first point इसमें अपना आता है, high rate of industrial growth with structural transformation. मतलब after the implementation of inward looking policy, जो high rate था industrial growth का जो था वो high हो गया, और उसके साथ infrastructure जो structure जो transformation था वो भी हुआ। डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू GDP इंक्रीज फ्रॉम 12% इन 1951 टू 25% इन 1991। मतलब 51 से में ये 12% था और ये 90 आते आते 25%, मतलब जस्ट डबल इससे हो गया। राइजिंग शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन GDP इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था GDP में उसका बढ़ना हमारे इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट का एक साइन था ऑन स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो इससे पता चलता है कि जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ हुआ तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल जो इंडियन इकोनॉमी पहले एग्रीकल्चर बेस्ड थी, अब उसमें इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने लगा। सो इट इज द गुड इम्पैक्ट। यहाँ अपने पास स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का जो मतलब है, इसको बॉक्स में दोबारा समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ओकर व्हेन देयर इज अ राइज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन GDP एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉल इन द परसेंटेज शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब किसी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का जो प्राइमरी सेक्टर का शेयर GDP में कम होने लगे और उसकी जगह सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जो शेयर है GDP में वो बढ़ने लगे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। कि स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर पर हम आए, बट उसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ, इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अगर वो ग्रोथ हुई है, देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये भी एक की पॉइंट है जो याद रखना है। इट अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इसके साथ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ग्रोथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी एक साथ डेवलप होती हैं। सेकेंड जो इसका अपने पास गुड इम्पैक्ट वाला पॉइंट आएगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो डाइवर्सिफिकेशन था वो भी यहाँ पे हमको नजर आया अंडर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। तो इसमें था द पीरियड ऑफ 1950 टू 90 सा द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कि इंडियन जो इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट के टाइम्स रहे, जूट और कॉटन इंडस्ट्री कुछ इस्टेब्लिश हुई थी, अब उनमें डाइवर्सिफिकेशन, मतलब वो कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बनाने लगी, टेक्निकल गुड्स जो मशीनरी बड़ी बड़ी बनने लगी, ये सारी इंडस्ट्री स्टेब्लिश होने लगी। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू टेक्सटाइल एंड जूट। अब जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारे पास आई, इसमें सिर्फ टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री नहीं थी,
thanks to inward looking trade strategy, industrial growth started spreading across the engineering goods. अब हमारी इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग गुड्स बनने लगी एंड वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स. तो कंज्यूमर गुड और इंजीनियरिंग गुड, इन दोनों की इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश होने लगी. दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, ओइंग टू द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी देयर वॉज अ नोटिसेबल ग्रोथ ऑफ द देन सनराइज इंडस्ट्री. अब सनराइज इंडस्ट्री किसको बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को, क्योंकि उस टाइम तक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप नहीं हुई थी. अब ड्यू टू द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन इंडस्ट्री और फॉरेन जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट आते थे, वहाँ गवर्नमेंट ने टैरिफ या उनका क्वेटा को लिमिटेड करके जो प्रोटेक्शन दिया डोमेस्टिक सनराइज इंडस्ट्री को, और उसी कारण से हमारी डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी वो उनका भी ग्रोथ सामने आया. सनराइज इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज दैट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड हैव फेल्ड टू टेक रूट्स इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इकोनॉमी हैड द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन नॉट बीन प्रेसिडेड. और ऐसा माना जाता है कि अगर उस समय अंडर इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी उसको फॉरन इंडस्ट्री से प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता जो कि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में दिया गया, अगर वो नहीं दिया जाता तो इंडियन जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती, वो फेल हो जाती. नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज ऑल्सो एस्क्राइब्ड टू द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. और जो इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हुई है वो भी ड्यू टू इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी ही हुई. एक्सपोज टू इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, अगर उनको उसी टाइम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में एक्सपोज कर दिया जाता दीज इंडस्ट्रीज वुड हैव फेल्ड टू सर्वाइव, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी सर्वाइव नहीं कर पाती. सो अगेन थैंक्स टू द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी ट्रेड स्ट्रेटेजी. अब ग्रोथ ऑफ सनराइज इंडस्ट्री के जो पॉइंट हैं, ये एक रिविजन या दोबारा है, इसको देखें. राइजिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द टाइम इज कॉल्ड सनराइजिंग इंडस्ट्रीज. और उस टाइम जो इंडस्ट्रीज पनप रही थी, जो आगे बढ़ रही थी, इस्टेब्लिश हुई थी, उन्हीं को सनराइज इंडस्ट्री बोला गया. उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मेन था. सेकेंड जो इसका पॉइंट है, 1950 टू 1990 वॉज एन ईरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री इन द ग्लोबल मार्केट. मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट, पूरे वर्ल्ड में 1950 से 90 ये जो 40 ईयर थे ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के का ईरा रहा. देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वॉज देन कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री. इसलिए पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री बोला गया. इंडस्ट्रियलाइजेशन टेंड टू स्पिन अराउंड द सनराइज इंडस्ट्रीज. और उस टाइम पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इसी सनराइज इंडस्ट्रीज के आसपास स्पिन होता था, घूमता था. थर्ड पॉइंट, इफ प्रोटेक्शन वॉज नॉट ग्रांटेड टू दिस इंडस्ट्री ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ, अगर इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ में सनराइज इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया होता, इट वुड हैव फेल्ड, तो ये फेल हो जाती टू सस्टेन द इम्पैक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो इंटरनेशनल मार्केट का जो कॉम्पिटिशन था उसको ये सहन नहीं कर सकती ये सनराइज इंडस्ट्री, और ये फेल हो जाती. सो यहाँ हम थैंक्स बोलना चाहेंगे इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को. नेक्स्ट, नो वंडर दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दिस इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग अ वेरी हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विच वॉज एज हाई एज 400%. तो इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन हमारी गवर्नमेंट ने सनराइज इंडस्ट्री को दिया कि 400% तक टैरिफ बढ़ा दिया गया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को फॉरेन कंपनी से या किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं. तो ये एक बड़ा प्रोटेक्शन था हमारी सनराइज इंडस्ट्री के लिए. सो इट इज़ अ गुड इम्पैक्ट, जो गुड इम्पैक्ट रहा सनराइज इंडस्ट्री का भी हमारी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी का. थर्ड पॉइंट आता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब इनवर्ट जो लुकिंग पॉलिसी थी वहाँ जो स्मॉल इन्वेस्टर थे उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी दैट दे कैन इन्वेस्ट दियर स्मॉल सेविंग इन SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वो इन्वेस्ट कर सकते थे. बिकॉज स्मॉल सेवर डू नॉट हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट इन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो यहाँ SSI का जो सिस्टम था, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो प्रोटेक्शन मिला, इसकी लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी थी
और या फिर इसमें जो रिसर्च लेटेंट रिसोर्सेज थे उसका यूज हो सकता था, तो ये भी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के कारण पॉसिबल हुआ। प्रोटेक्शन टू एसएसआई ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दोज हु डिड नॉट हैव मच कैपिटल, तो ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ उनके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अंडर इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में। इट ऑल्सो इम्प्लाइड द यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज। अब लेटेंट रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्स की अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं होती तो वो रिसोर्सेज, उनमें पोटेंशियल तो था बट वो आइडल रहते और वेस्ट हो जाते इन द कंट्री विच अदरवाइज वुड हैव रिमाइंड आइडल, तो वो आइडल मतलब बेकार पड़े रहते। न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और SSI सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नई अपॉर्चुनिटीज लेके आई। इट प्रमोट ग्रोथ विद इक्विटी, यहाँ पे ग्रोथ विद इक्विटी थी इसमें। सो अब बॉक्स पे आते हैं, यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज, ये भी एक बड़ा मामला था। यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज, लेटेंट रिसोर्सेज रेफर टू द पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्स जिनमें पोटेंशियल तो था। दीज आर द रिसोर्सेज विच रिमेन हिडन एंड देयर फॉर आइडल, मतलब ये हिडन रहते हैं बट SSI के कारण ये रिसोर्स काम तो आ गए, बट SSI नहीं होता तो ये आइडल पड़े रहते और वेस्ट होते। दीज आर हिडन सिंपली बिकॉज दे फेल टू फाइंड देयर प्रोडक्टिव यूज, तो अंडर SSI इनका प्रोडक्टिव यूज हुआ। अगर SSI नहीं होता तो इनका प्रोडक्टिव यूज वाला जो तरीका था वो इनको नहीं मिलता और ये वेस्ट होते। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर्ड स्मॉल सेवर्स इन इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर लेटेंट रिसोर्सेस, मतलब स्मॉल सेविंग्स को ये काम ले पाए यहाँ, एंड एज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। द स्मॉल सेवर्स वर नॉट हैविंग इनफ कैपिटल टू स्टार्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यही मैंने अभी बताया था कि स्मॉल जो इन्वेस्टर थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट कर पाए। तो अकॉर्डिंगली इन द एब्सेंस ऑफ द प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द लेटेंट रिसोर्सेज वुड हैव रिमेंड अनयूटिलाइज, तो क्लियर हो गया। So these are the good impact of the inward looking policy. Now come to the bad impact. अब bad impact क्या थे? Following जो है वो bad impact होंगे। First जो bad impact था, growth of inefficient public monopolies. मतलब यहाँ public monopolies, जो public sector की जो monopolies थी, उसने private investor के role को हर जगह खत्म किया। Protection of public sector industry led to the growth of inefficient monopolies. अब क्या है, जब दूसरा उस एरिया में एंटर ही नहीं कर सकता प्राइवेट इन्वेस्टर, तो वहाँ पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली हो गया। अब मोनोपोली मतलब कोई कंपटीशन नहीं। टेलीकम्युनिकेशन वाज गवर्नमेंट मोनोपोली बिफोर टिल 1990 से पहले टेलीकम्युनिकेशन में गवर्नमेंट का मोनोपोली था, मतलब प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड देयर। वी ऑल नो दैट पीपल हैड टू वेट फॉर ईयर्स एंड ईयर जस्ट फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन। अब 1990 से पहले एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए हमें कई सालों तक वेट करना पड़ता था। सो ये पब्लिक सेक्टर मोनोपोली बताता है। अब वो इनएफिशिएंट था, मतलब पब्लिक सेक्टर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द टेलीफोन कनेक्शन, बट वहाँ मोनोपोली जारी रही। अगर वहाँ प्राइवेट इन्वेस्टर को वहाँ दिया गया होता मौका, तो उस टाइम 1990 से पहले घर घर टेलीफोन होता, कम्युनिकेशन बढ़ता, बिजनेस बढ़ता। बट नाउ यू गेट रिपीटेड SMS ऑफरिंग यू अ न्यू टेलीफोन कनेक्शन फ्री ऑफ चार्ज, और आजकल SMS पे SMS आ रहे हैं कि टेलीफोन कनेक्शन ले लो 1990s के बाद जो हुआ। ठीक, तो ये एक इसका बैड इम्पैक्ट था। नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट आता है, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब जो हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर था वहाँ लैक ऑफ कंपटीशन था, मतलब उनके पास कोई कंपटीशन नहीं था। ओल्ड यूजर ऑफ कार स्टिल रिमेंबर द एम्बेसडर एंड फिएट, जो ओल्ड यूजर थे, जो 1990 से पहले का कार यूजर था उसे पता है उस टाइम दो कार प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, एम्बेसडर और फिएट, इन्हीं की कार को लेना था और इन्होंने अपनी कार को कभी अपग्रेड नहीं किया ड्यू टू द लैक ऑफ कंपटीशन, क्योंकि अदर कोई कार बनाने वाली कंपनी नहीं थी तो इनको अपग्रेड करने की कभी आवश्यकता नहीं लगी। इनको पता था हमारी कार तो वैसे ही बिक जाएगी।
मॉडल्स प्रोड्यूसिंग बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया. तो 1990 से पहले ये दोनों ब्रांड थे कार के. नो डाउट दैट द डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री फ्लोराइज एज अ नियर मोनोपोली ओइंग टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन. तो इनकी मोनोपोली क्यों चल पाई, क्योंकि इनके पास पॉलिसी था प्रोटेक्शन का, बट प्रोलोंग्ड प्रोटेक्शन फेल टू प्रमोट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज एयर प्रोडक्ट. अब जब इनको पता था हमको प्रोटेक्शन है, हम अपनी कार आराम से बेचेंगे, तो कभी इन्होंने अपनी कार को मॉडर्नाइज या अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की, उसको ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश नहीं की. कॉन्सिक्वेंटली क्या नतीजा हुआ, जैसे ही प्रोटेक्शन पॉलिसी हटा तो इन कारों का क्या हल हुआ डोमेस्टिक मार्केट में, आज कोई इनको जानता तक नहीं है. ठीक, कॉन्सिक्वेंटली फिएट एंड एम्बेसडर कंटिन्यू टू बी ओनर्स प्राइड एज लॉन्ग एज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वॉज प्रोड्यूस. तो इन्होंने तब तक ही मजा लूटा मार्केट का, कस्टमर का, जब तक इनके पास प्रोटेक्शन रहा, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन. एंड आफ्टर द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वॉज विड्रॉन, जैसे ही प्रोटेक्शन पॉलिसी को विड्रॉ किया गया, पीपल रिजेक्टेड दिस कार एज अ गुड रेडियंस. तो लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया कि दीज आर नॉट द गुड ऑप्शन ऑफ द कार. अब लोगों के पास अदर ऑप्शन है कार के. सो इट इज अ बैड इम्पैक्ट. थर्ड पॉइंट आता है इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था, पब्लिक सेक्टर, इसका इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड हुआ. द पीरियड ऑफ 1950 to 80 वॉज मार्क्ड विद द ट्रेंड टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. मतलब ये ऐसा टाइम था 50s 80s था, कहा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप एनीथिंग और एवरीथिंग कुछ भी कर सकते हैं. सो मच सो दैट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन देयर बिड टू प्ले द रोल ऑफ क्रस्टर्डर स्टार्टिंग स्वेलिंग अप अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज. कि प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस थे, इनके इन्वेस्ट करने की जो अपॉर्चुनिटी थी, इसको स्वेलिंग अप कर गए, खत्म कर चुके थे ये. वन कैन अप्रिशिएट कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो अचीवमेंट हुई उसकी तारीफ करेंगे, बट वन फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. पर हमें ये चीज़ समझ नहीं आएगी कभी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली, एंटरप्राइज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ब्रेड एंड शूज, तो ब्रेड और शूज जैसी चीजों को कब प्रोड्यूस करने लगेगा. ये चीजें तो प्राइवेट सेक्टर को प्रोड्यूस करनी पड़ रही, गवर्नमेंट ने कभी इनको प्रोड्यूस करने के बारे में नहीं सोचा. इट अमाउंट्स टू एन इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. जो कि इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड जो था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, उसको दिखाता है. मतलब गवर्नमेंट ने जो भी प्रोडक्शन किया वो एक लिमिटेड था, मतलब उन्हें हर सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं दिया. या बॉक्स में आते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज प्रोड्यूसिंग सच गुड्स एज ब्रेड एंड शूज विच कुड ईजिली बी लेफ्ट टू प्राइवेट एंटरप्राइज. मतलब गवर्नमेंट ने कभी भी ऐसी चीज़ों को, ब्रेड शूज को प्रोड्यूस नहीं किया, इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया. इम्प्लाइड फर्स्ट था इनडिस्क्रिमिनेट एंड इरेशनल यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज का, पहला पॉइंट. दूसरा स्वेलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब बढ़िया बढ़िया जगह जहाँ प्राइवेट इन जो इन्वेस्टर थे इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो जगह स्वेलिंग अप कर दी, वो अपॉर्चुनिटीज को खत्म किया. नंबर फोर पॉइंट आता है इकोनॉमिकल अनवेबल स्टेट एंटरप्राइज अब पॉलिटिकल कंपल्शन. इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्री घाटे में चलती थी, मतलब वो इकोनॉमिकली अनवेबल थी, तो भी उसको बंद नहीं किया जा सकता ड्यू टू द पॉलिटिकल कंपल्शन. मतलब गवर्नमेंट को उसकी कोई भी कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसको घाटे में भी चलाना पड़ता था, क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शन था. गवर्नमेंट घाटा खाती जाती थी, पर उसको वो कह रही होना आगे बढ़ा रही है. एनी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वुड अल्टीमेटली शट डाउन इफ फाउंड टू बी इकोनॉमिकल अनवेबल. अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी घाटे में जाती है तो बंद हो जाती है. हमने कई कंपनीज को देखा है, जैसे विजय माल्या का जो किंग फिशर था वो बंद हो गया है. कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपनी कंपनी को शट डाउन किया. क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली काफ़ी सालों तक घाटा खा रही थी. बट अगर गवर्नमेंट की कोई कंपनी है उसमें घाटा होता है तो वो बंद नहीं करती है गवर्नमेंट ड्यू टू पॉलिटिकल कंपल्शन. बट इन केस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इट ऑलवेज हैव बीन अ पॉलिटिकल कंपल्शन टू बियर द लॉस एंड कंटिन्यू ऑपरेटिंग अनवेबल एंटरप्राइज, कि उसको घाटे में चलाया जाए. तो दीज आर द बैड इम्पैक्ट.
ट्रेड यूनियन एंड पॉलिटिशियन अपोज शटिंग डाउन द अनवेबल पब्लिक एंटरप्राइज। जैसे ही घाटे में कोई गवर्नमेंट कंपनी जाती है, एंटरप्राइज जाता है, उसको बंद करने का नंबर आता है, तो ट्रेड यूनियन और पॉलिटिशियन इसको अपोज करने लगते हैं कि इसको बंद करते कई लोगों का जॉब जाएगा, डेवलपमेंट रुकेगा, गवर्नमेंट की इमेज डाउन होगा, एंड प्रीटेक्स्ट अ सोशल इनजस्टिस टू द वर्कर। तो ये वर्कर के साथ इनजस्टिस होगा इस मामले को उठा के, वो घाटे में कंपनी होती है गवर्नमेंट सेक्टर की तो भी उसको बंद नहीं होने देते हैं। तो दीज आर द बैड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। लास्ट इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। ग्रेडुअली द गवर्नमेंट स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द बैड इम्पैक्ट ऑफ द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी अलॉन्ग विद अदर फीचर ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ वर ओवर शेडोइंग गुड इम्पैक्ट। कि बैड इम्पैक्ट इतने ज़्यादा हो गए थे कि इसके गुड इम्पैक्ट को कवर करने लगे थे। अकॉर्डिंगली बाय द एंड ऑफ 1990 द गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग अ सीरियस थॉट ऑफ NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में गवर्नमेंट ने सोचना चालू किया, विच वॉज पुट इन प्लेस इन 1991, जिसको कि 1991 में इंप्लीमेंट किया गया एट द प्लेस ऑफ इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। और यहाँ मैं शॉर्ट में बता दूँ, उस पॉलिसी का नाम था LPG, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। डिस्कशन ऑन NEP इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द चैप्टर 6। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड यू कैन कलेक्ट योर शॉर्ट नोट्स हियर। पावर पॉइंट है, मैं इसको शो कर देता हूँ आपको, आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ से इसको कलेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट अगेन, हियर इज माय अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक